ये प्रियंका गांधी वाड्रा का वो ट्वीट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लाखों युवाओं की उम्मीद पर पानी तो फिरा है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पेपर लीक से कोई मतलब नहीं, जिनको नकल कांड से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो पेपर दे रहे थे अपनी मेहनत से पढ़कर, ये दिक्कत तो हुई है। घोटाले पर भारत समाचार की खबर का बड़ा खुलासा हुआ है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने भारत समाचार को देखा और दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीमाब नकवी प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, धीरेंद्र द्विवेदी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सीमाब, ये परीक्षा फंसती जा रही है, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, भारत समाचार को उन्होंने देखा, ट्वीट किया है कि लाखों उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ जो अपनी मेहनत के दम पर इस परीक्षा को पास करते हैं। जी बिल्कुल राहुल, आपको बताएं कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है तो इसमें कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं उन पर भी शिकंजा कसने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा जो कारनामा है वो कैसे हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। और जिम्मेदारों से भी पूछताछ होनी चाहिए कि किस तरह से ये घोटाला हुआ है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी जाँच फिलहाल एसटीएफ कर रही है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ऐसे में सवाल इस बात का उठता है कि अगर जिसके पास पैसा है तो वो कोई भी हो, चाहे वो डीजे वाला हो, चाहे गाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे पंचर जोड़ने वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, उसको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो मेधावी छात्र हैं जिन्होंने पढ़कर परीक्षाएं दी हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और ऐसे लोगों को जो है जिन्होंने मेहनत की है, पढ़ाई की है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल जाया चली जाएगी, उसका कोई मकसद नहीं निकलेगा। तो इस भर्ती को सभी लोग जो जिम्मेदार हैं उनको बहुत